कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बने डॉक्टर। मुख्तार अब्बास नकवी ने डॉक्टर का स्टेथोस्कोप यानी आला लगाकर एक डॉक्टर को चेक किया। उनका ये रूप देखकर लोग हैरान हो गए। नकवी जी इस रूप में काफ़ी खुश नज़र आए। मानो ऐसा लगता था जैसे नकवी जी की दिली तमन्ना डॉक्टर बनने की थी और वे पॉलिटिशियन बन गए। नकवी जी सरकारी अस्पताल का फीता काट कर उसकी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेकर एक निजी अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने डॉक्टर बनकर एक डॉक्टर की दिल की धड़कन चेक की। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान आज रामपुर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने धमोरा स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन सेंटर का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी सहित तमाम जिले का आला अधिकारी और भाजपा के नेता मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और आज लगभग 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कोरोना का कहर किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था। 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई। देखिए, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग आज मुझे लगता है कि 80 करोड़ के इर्द गिर्द वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में आज से पूरे देश में मनाया जा रहा है और जो वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम किया है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है, उसकी सराहना भी हो रही है। ऐसे ये कोरोना का जो कहर है वो किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था। 100 साल के बाद दुनिया ने इतनी बड़ी आपदा और इतनी बड़ी त्रासदी से दुनिया दो चार हुई। नकवी जी, अखिलेश यादव जी ने कहा भाजपा को अपना निशान बदलकर बिल्डोजर रख लेना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसको? अखिलेश यादव जी ने कहा भाजपा को अपना निशान बदलकर बिल्डोजर रख लेना चाहिए। अब इसके बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे। अब दिक्कत ये नहीं है, आज जो है वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको जो सिक्योरिटी लोग देते थे, आज क्रिमिनल कस्टडी में है। तो कस्टडी वर्सेस सिक्योरिटी, सुरक्षा वर्सेस अभिरक्षा होती है ना, एक अभिरक्षा। तो आज जो है वो जो भी अपराधी हैं, जो भी गुंडे हैं, जो भी अराजक तत्व हैं, वो कस्टडी में हैं। वो लोग जो लोग की अभी तक सिक्योरिटी देते रहे हैं उन ऐसे लोगों को, उनमें हताशा निराशा स्वाभाविक है, इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। सर, ये अफगानिस्तान का जो घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद से क्षेत्र में जो हालात चेंज हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, भारत की सुरक्षा, भारत के लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगी और भारत सुरक्षित हाथों में है। कहाँ क्या हो रहा है उस पर हमारी नज़र।